हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद होने वाला है एक बहुत ही बढ़िया मैथ मैजिक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आज मेरे साथ है मनीष। तो मनीष और मैं करेंगे एक बहुत ही औसम मैथ मैजिक। तो मनीष, तुम कोई भी, तुम्हारे दिमाग में कोई भी जो नंबर आए, ऐसा एक दो डिजिट वाला नंबर इधर ऊपर में लिख दो। हमको बहुत सारा नंबर लिखना है हम सबको, तो हम दोनों को, तो जगह रखना ठीक है। तो बड़ा बड़ा करके कोई भी दो डिजिट वाला एक नंबर इधर लिख दो जो तुम्हारे दिमाग में आए। 3636, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मनीष ने 3636 लिख दिया है अपने दिमाग में, मतलब उसके दिमाग में जो नंबर आया था। तो अब मैं इधर एक प्रेडिक्शन लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आप लोग देखो, ठीक है। ये है मेरा प्रेडिक्शन। तो अब मैं इस नंबर को करता हूँ एकदम बंद और इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस पेपर को ऐसे रखता हूँ और ये कागज दो, ये कैप। दोस्तों इस कैप में मैं इस प्रेडिक्शन को बंद करके आप सबके आंखों के सामने रखूंगा, ठीक है। ये कहीं नहीं जाएगा, आप लोग इसके ऊपर एकदम ध्यान रखिए। तो मनीष, फिर से दो डिजिट वाला एक नंबर इसके नीचे लिख दो, दो डिजिट वाला कोई जो तुम्हारे दिमाग में आए। 2 2 5, ठीक है। तो तुमने दो बार लिख दिया है, तो अब मैं कुछ लिखूं। मेरे दिमाग में जो रैंडमली नंबर आता है वो है, ठीक है, मैंने 74 लिख दिया है। अब तुम फिर से दो डिजिट वाला कोई एक नंबर लिखो इधर, दो डिजिट वाला कोई भी एक नंबर। 770, ओके कोई बात नहीं। तो तुमने लिखा है 70, तो मैं लिखूँगा इधर, मेरे दिमाग में कौन सा एक दिन, तो तुम रैंडम लिख रहे हो तो मैं भी रैंडम लिखूंगा। तो फिर ये संभाल के, ये कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर से दो डिजिट वाला कोई एक नंबर लिख दो, 3434, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारा नंबर लिख दिया है, इसमें से ज़्यादातर तुमने ही लिखा है। तो अभी हम लोग इसको करते हैं प्लस, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 5 4 9 9 9 18 18 और 4 हो जाता है 22, 22 और 5 हो जाता है 27, 27 एंड 6 हो जाता है कितना दोस्तों, 33, 33 का 3 रहा इधर और हाथ में रहा हम लोगों का 3, ठीक है। तो अब 6 3 9 9 2 11 11 7 18 18 7 हो जाता है दोस्तों 25, 25 2 27 27 और 3 हो जाए 30, 30 + 3 हो जाता है 33। तो दोस्तों ये था पूरा आंसर, ठीक है। तो अभी मैं मनीष को एक चीज़ दिखाऊंगा। मनीष इधर देखो, ये जो तुमने कागज देखा नहीं था जिसको मैंने लिखा था पहले, उसमें भी मैंने पहले से ये आंसर ही लिख दिया था, ठीक है। तो देखो कैसे मैच हो गया ये दोनों चीज़, और ज़्यादातर नंबर तुमने लिखा है इधर, तो मैंने थोड़ा बहुत नंबर लिखा है, लेकिन प्लस इसको प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो इधर मिल गया। तो कैसा लगा तुमको? अच्छा अच्छा था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों झटपट जान लेते हैं कैसे मैंने ये मैजिक किया और आप लोग इसको कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस ऑसम मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस ऑसम मैजिक के पीछे का सीक्रेट है बहुत ही सिंपल, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा चालाक होना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, यही है बात। तो लोग जब कोई भी एक दो डिजिट वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कोई लिखा है 45। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले से डिसाइड कर लेना है कि आप कितना स्टेप उधर करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए पहले वाला मैंने और मनीष ने जो किया था वो आपको दिखाता हूँ। मनीष ने पहले लिखा था ये, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था और फिर ये लिखा था। तो इसमें लगभग 3 स्टेप है, ठीक है। पहले वाला तो नंबर एक लिख लिया उसने, ये एकदम अलग है। इसके साथ ये लिखने के बाद हम लोग आंसर लिखा था, उसके बाद 3 स्टेप है, एक बार, दो बार और 3 बार। तो आप लोग दिमाग में सोच लीजिए कि आप कितना स्टेप करेंगे। अगर आप लोग 3 स्टेप करेंगे तो आपको इसमें से 3 माइनस करना है, ठीक है। अगर आप 2 स्टेप करेंगे तो 2 माइनस करना है, और अगर 4 करेंगे तो 4 माइनस करना है। तो ये अगर मान लीजिए हम लोग अभी 3 स्टेप करेंगे, ठीक है, तो हम लोग 45 से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। 3 माइनस करके पहले से ही आंसर लिख देंगे, कहीं पर भी आप नीचे भी लिख दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो लोगों को एकदम चैलेंजिंग लगेगा क्योंकि अरे भाई ये तो पहले से आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं,
आप इधर से 3 माइनस करो, 3 माइनस करने पर कितना होता है, ये होता है 42 हो जाता है ये, और उस 3 को आपको बिठाना पड़ेगा इधर, ठीक है। अब इधर कोई भी नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर यही आएगा, क्योंकि आप बीच बीच में एक एक नंबर लिखोगे उससे ये एक एक्चुअल में हो जाएगा। जो तो लोग समझते हैं कोई भी एक नंबर, तो समझ लीजिए 74 लिखा है किसी ने, ठीक है। तो आपको जो लिखना है वो है, आपको इन 3 स्टेप में आप लोग ऑडियंस जो नंबर लिखेंगे उसके साथ आप लोग जो नंबर लिखेंगे उसका टोटल 99 होना चाहिए, ठीक है। अभी 4 के साथ 5, 5 और 4 होता है 9, और 7 के साथ 2, ठीक है, ये हो गया 99, ठीक है। और एक बार कोई भी एक नंबर लिख सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने 0 लिखा है, मनीष ने भी 0 लिखा था, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं। 0 और 9 होता है 9, और 2 के साथ 7, ठीक है। अब हम लोग कुछ और करते हैं, मान लीजिए क्या लिख सकते हैं इधर, 3 लिखते हैं और 9 लिखते हैं। सर 9 लिखेंगे तो आप 0 लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इसको 8 लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 8 के साथ 1 होता है 9, और 3 के साथ 6। तो दोस्तों ये आप एकदम प्लस कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि इसका जवाब मिल जाएगा। अब क्यों, ये मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक में समझा देता हूँ, क्योंकि इधर हर जगह 99 हो रहा है, राइट, 99 99, मतलब अगर आप इसको ऐसे समझो कि ये 100 है, 345, तो कितना होता है 345, लेकिन इधर से एक एक माइनस है इसीलिए 3 माइनस हुआ है, राइट। ये था सिंपल लॉजिक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप इसमें 4 स्टेप करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप इससे 4 माइनस करो और इधर से इससे 4 माइनस करो और आगे 4 लिख दो, यही है बात। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मैजिक जान के अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना तो मत ही भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे, और ऐसे ही औसम औसम मैजिक का मजा लेते रहिए।